Good morning, students. Today I will further continue the revision of second chapter of civics. When we fix people into one image, we shorten a stereotype. जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, when people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race, or economic background are stingy, lazy, criminal, or dumb, they are using stereotypes. या फिर उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़वादी धारणा कहते हैं. कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं. ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है. देयर आर स्टिंगली एंड जेनरस पीपल एवरीवेयर इन एवरी कंट्री, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female. हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं, और सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं. पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है. एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम. और इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देते हैं. हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं. स्टीरियोटाइप्स स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज ए यूनिक इंडिविजुअल विथ हिज और हर ओन स्पेशल क्वालिटीज एंड स्किल्स that are different from others. रूढ़वादी धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं. They fit large numbers of people into only one pattern or type. जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं, और इन धारणाओं दे प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स व्हाट माइट और अदरवाइज बी गुड अस गुड एट का असर हम सब पर पड़ता है. कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो. इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन असमानता एवं भेदभाव. डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइसेस और स्टीरियोटाइप्स. भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं. इफ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, इफ यू स्टॉप देम फ्रॉम टॉकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज एंड टॉकिंग अप जॉब्स. अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं,
अथवा किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स प्रिवेंट देम फ्रॉम टॉकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल और हैंड पंप और नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप्स और ग्लासेस एज अदर्स यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम। तो फिर रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर एक और समीर दो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, उनका धर्म अलग था। दिस इज एन एक्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, हाउ एवर दिस डाइवर्सिटी कैन आल्सो बी ए सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ग्रुप्स ऑफ पीपल्स हु मे स्पीक ए सर्टिन लैंग्वेज फॉलो ए पर्टिकुलर रिलीजन लिव इन स्पेसिफिक रीजन एक्सेट्रा। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोट का मानते हैं। मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देयर कस्टम्स और पर्टिकुलर्स मे बी सीन एन इन्फेरियर। एनदर डिफरेंस बिटवीन द टू शमीर्स वाज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर दो आज पुअर, समीर दो गरीब। दिस डिफरेंस एज यू हैव रीड अर्लियर इज नॉट ए फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वलिटी। विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। एज यू हैव रीड अर्लियर इट नॉट फ्रॉम ऑफ डाइवर्सिटी बट ऑफ इनइक्वलिटी। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज ऑफ और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर। बहुत लोगों के पास अपने खाने कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेस इन हॉस्पिटल्स स्कूल्स एक्सेट्रा। इस कारण दफ्तरों अस्पतालों स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर, और उनके साथ अनोखा व्यवहार किया जाता है क्योंकि वो गरीब हैं। सम पीपल मे एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कुछ लोगों को
विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है. They are poor and they belong to groups whose culture is not valued, while some religious groups and even particular regions are discriminated against for one or more of these reasons. एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है. ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं हैं तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है. इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल लुक एट हाउ ए फेमस Indian was discriminated against. This will help us understand the ways in which caste was used to discriminate against large number of people. ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजाति लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है. On being discriminated against, भेदभाव का सामना करने पर people are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, poetry, weaving, fishing, farming, etc. अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती एवं बुनाई आदि. टू अर्न ए लेवलीहुड हाउ एवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क are valued more than others. Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as tasks that are of less value, and people who do this work are seen as dirty or impure. लेकिन कुछ खास कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है. सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है. इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है. This belief is an important aspect of the caste system. In the caste system, communities, groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है और जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है जिसमें एक जाति दूसरे जाति के ऊपर या नीचे थी. दोज हु प्लेस्ड देमसेल्व्स एट द टॉप ऑफ This ladder called themselves upper caste and saw themselves as superior. जिन्होंने अपने आप को इस पीढ़ी में सबसे ऊपर रखा उन्होंने अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा. जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया उनको अछूत और अयोग्य कहा गया. द ग्रुप्स हु वर
placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables. जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे, इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाजत नहीं थी. कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल टू टेक ऑन वर्क अदर देन व्हाट दे वर मीन टू डू. फॉर एग्जाम्पल, सम ग्रुप्स आर फोर्स टू पिक गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज. उदाहरण के लिए, कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी. बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल और इवन इंटर टेम्पल्स. उन्हें ऊंची जात के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं में से पानी लेने और यहां तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाजत नहीं थी. देयर चिल्ड्रेन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रेन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल. दस अपर कास्ट एक्टेड इन वेज फिश डिड नॉट गिव द सो कॉल्ड अनटचेबल्स the same rights as they enjoyed. उनके बच्चे दूसरी जात के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे और इस तरह ऊंची जात के लोगों का जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया शेयर्स हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विच टुक प्लेस इन 1901 व्हेन ही वाज जस्ट 9 years ओल्ड. भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है. यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था जब वे केवल 9 साल के थे. ही हैड गॉन विथ हिज ब्रदर्स एंड कजिन्स टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव विच इज नाउ इन महाराष्ट्र. वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे. लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न्ड अप एन आवर इलेप्स्ड एंड द स्टेशन मास्टर कम टू इंक्वायर. बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया. 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए. ही आस्क्ड अस फॉर आवर टिकट्स. वी शॉप्ड देम टू हिम. ही आस्क्ड अस व्हाई वी Paid. We told him that we were bound for Koregaon and that we were waiting for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे.
जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे। We were well dressed children from our dress or talk. No one could make out that we were children of the untouchables. हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी ये अंदाज नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which he found us. और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। एज ही यूजुअल अमॉन्ग द हिंदूज द स्टेशन मास्टर आस्क अस हू वी वर विदाउट ए मूमेंट थॉट आई आउट दैट वी वर महार। महार इज ए वन ऑफ द कम्युनिटीज विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबिलिटीज इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा। ही वाज स्टोन हिज फेस अंडरवेंट ए सडन चेंज। भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ और वे हमें देखने लगे। एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। वी कुड सी दैट ही वाज ओवर पावर्ड बाई ए स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्शन एज सून एज ही हियर्ड माई रिप्लाई He went away to his room and we stood where we were. उन्होंने वैसे ही मेरा जवाब सुना। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up, nor had he sent his servant, and now the station master had also left us. 15-20 minutes बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। वी वर क्वाइट वी विल रीड एंड द जॉय एंड हैप्पीनेस विच वी लेफ्ट एट द बिगनिंग ऑफ द जर्नी गेव ए gave to a feeling of extreme sadness. हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी
उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। थैंक यू।